झारखंड के धनबाद में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यह वारदात धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र स्थित गांधी रोड इलाके की है। सोमवार को यहां एक घर के कमरे से अहले सुबह लोगों ने खून रिसता देखा। भारी मात्रा में खून कमरे के दरवाजे के नीचे से घर के बाहर बह रहा था, जिसे देख लोग बहुत चक्का रह गए। तत्काल लोगों ने घर की खिड़की से कमरे में झांक कर देखा तो लोग वस्कतक में आ गए, क्योंकि घर के अंदर चार लोगों की लाश पड़ी थी। मौके पर मौजूद पड़ोसी सुधीर महाराज और धनबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के अजय नारायण लाल ने तुरंत इसकी सूचना धनसार थाना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर घर का दरवाजा तोड़ अंदर दाखिल हुए। भीतर का नजारा डरा देने वाला था। एक कमरे में चार लोगों की लाश थी, जिसमें गृहस्वामी वीरेंद्र यादव उर्फ मुन्ना यादव 45 वर्ष का शव पलंग पर पड़ा मिला, जबकि पलंग से कुछ दूर फर्श पर उनकी पत्नी मीना देवी 35 वर्ष, पुत्र रोहित यादव 14 वर्ष और सौतेले पुत्र राहुल 22 वर्ष गिरा मिला। पुलिस को वहां से 10-10 इंच का दो खंजर भी मिला। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया होगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक मुन्ना यादव किसी साहू मिक्सर कारखाने में काम किया करता था। उसने मृतका मीना देवी से दूसरी शादी की थी। वहीं उनका सौतेला पुत्र राहुल कहीं बाहर रह रहा था। वह एक महीने पूर्व ही घर लौटा था। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी आज सुबह ही मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पड़ोसियों ने शक जाहिर करते हुए कहा कि उनके सौतेले पुत्र राहुल ने ही घटना को अंजाम दिया होगा और बाद में खुद अपना गला रेत कर खुदकुशी कर ली होगी। उन्होंने बताया कि राहुल के घर आने के बाद से ही घर में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। रोज किसी विवाद को लेकर सभी आपस में लड़ा करते थे। वहीं घटना की सूचना पर सिटी SP आर राम कुमार और धनसार थाना प्रभारी जयराम प्रसाद भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। इसके बाद घटना की जानकारी देते हुए धनसार थाना प्रभारी ने बताया कि घटना देर रात की है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर अंदर से बंद था। वहीं कमरे के अंदर चार लाश पड़े थे। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया अनुसंधान से प्रतीत हो रहा है कि गृहस्वामी मुन्ना यादव के सौतेले पुत्र राहुल यादव ने ही घटना को अंजाम